गुड स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 12। द टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इससे पहले एक टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट का, वो जब आप स्कूल में आएंगे तो इंशाल्लाह तब जो है वो आपको समझाऊंगी। अभी जो है हम इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं जो कि इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे हमने लंग्स के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है डिसऑर्डर्स पढ़े थे, इसी तरह बोन्स से रिलेटेड भी कुछ डिजीजन है, उन्हें हम डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का वर्ड जहाँ पर भी आएगा या ऑस्टियो का वर्ड जहाँ पर भी आएगा, इट मीन्स कि वहाँ किसकी बात हो रही होगी, बोन्स की बात हो रही होगी, स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही होगी। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरस का वर्ड जो है, पोरोसिस का वर्ड जो है वो पोरस से निकला, यानी पोर्स। हमारी बोन्स में जो है वो पोर्स क्रिएट हो जाती हैं या हमारी हड्डियाँ जो है वो बुड़बड़ी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। अब ये बेसिकली बोन डिजीज है और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में या एडल्ट एज में देखी जाती है। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बन रहे होते हैं, हमारी हड्डियाँ हर चीज़ जो है वो ग्रो कर रही होती है, तो उस टाइम हमें जो है ये वाले डिसऑर्डर ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं या एडल्ट एज में जाती हैं तो हमारी बोन्स और हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है, बोन्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। अब बेसिकली होता क्या है, बोन्स मजबूत कैसे होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस फिक्स होता है हमारी हड्डियों में जाकर, बोन मैरो में जाकर मिनरल डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ जो है वो मजबूत होती हैं। अगर जो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस किसी वजह से जो है वो कम हो जाए तो भी हमें जो है ये बोन्स की जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं। बेसिकली बोन्स लाइट हो जाएंगी, उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बोन्स हल्की होने का मतलब यह है कि उनके अंदर के जो मिनरल्स हैं वो कम हो गए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बोन डिक्रीज हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में भी क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ मूव टुवर्ड्स द कॉजेस ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी वजूहत में है कि माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारी डाइट अच्छी ना हो। अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, उसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे तो भी हम ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो शिकार बन सकते हैं। सेकेंड इसके कॉजेज में आता है लैक ऑफ विटामिन सी एंड प्रोटीन। जो लोग जो है वो मीट वगैरह एग वगैरह नहीं खाते या विटामिन सी के सप्लीमेंट से सिट्रस फ्रूट वगैरह नहीं लेते, उनके अंदर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाता है और फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज हो सकती है। थर्ड इसके कॉजेज में है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते या फिजिकल एक्टिविटीज अपने डेली के काम जो है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस वगैरह में बैठे रहते हैं, उनको हड्डियों की ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक्टिव नहीं रहता। तो अगर हमारी एक्टिविटी कम है तो फिर भी हमारी बोन्स में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है और उसके रिजल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फोर्थ में ये फीमेल से रिलेटेड जो एक पॉइंट में मैंशन है कि डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली फीमेल हार्मोन है और इसका काम है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों में फिक्स करता है। जैसे जैसे जो है फीमेल्स की एज जो है वो ज़्यादा होती जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी वाकई होती जाती है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो रिजल्ट में कैल्शियम और फास्फोरस भी फिक्स नहीं होगा, जिसके रिजल्ट में हड्डियाँ जो है वो वीक हो जाएंगी। ज़्यादातर नी प्रॉब्लम और जो स्केलेटल सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो ओल्ड एज की खातिर में ज़्यादा है। उसके बाद लास्ट में इसके कॉजेस में बताया हुआ है कि लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन बन रहा होता है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो कर रहा होता है। अब जब हम 30 या 40 को क्रॉस करते हैं तो हमारी एज जो है वो उस टाइम पीरियड पर रुक जाती है, ठीक है, एज तो इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही होती। अब ग्रोथ उस लेवल पर आके रुकने का मतलब है अब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी से कम हो गए। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम होंगे तो जाहिर बात है कैल्शियम और फास्फोरस भी डिपॉजिट नहीं होगी हड्डियों में, जिसके रिजल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल लर्न एंड लर्न इट वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।